से चले हुए अभी 12-14 घंटे हो चुके हैं। हम लोग सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत परेशान है। 5 दिन का मिलेगा, हम टोटल 10 दिन की छुट्टी लेके यहाँ पे आए हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ की जो उन्होंने कहा है कि एडिट कर रखा है आपका, गलत है। और जहाँ से हमको दिए गए थे वहाँ पे ये कहा गया था वहाँ जाना, आपको कार्ड मिल जाएगा, सीधे आपकी यात्रा हो जाएगी। फेल है, मैंने गलत रजिस्ट्रेशन बना के दिया हुआ है। इस चक्कर में हम लोग को यहाँ पे 2.5-3 घंटे से रोके हुए हैं। कुछ रूल फॉलो कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, यात्रियों के साथ ऐसा न करें। मेरा नाम विजय शर्मा है जी, मैं दिल्ली से आया हूँ। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमारे को जो रजिस्ट्रेशन दिए गए हैं वो सारे फ्रॉड हैं सर। हम लोगों को दिल्ली से चले हुए अभी 12-14 घंटे हो चुके हैं। हम लोग सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत परेशान हैं। परेशानी का कारण है रजिस्ट्रेशन, जो कि हमें ओके नहीं दिए गए। हमें कहा गया था आपका हो जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन दिए हैं बिल्कुल फ्रॉड हैं सर। को हमने टिकट बनने के लिए दी थी, मैंने उनको फ़ोन किया, वो कहते हैं जी बस वालों ने ये आप लोगों को रजिस्ट्रेशन दिए हैं। वो हम बस वालों पे बात कह रहे हैं, बस वालों ने आपको रजिस्ट्रेशन दिए हैं। और हम लोग इतने दुखी हैं सर, हमें नहीं पता बस वालों ने किया है या किसने किया है। हम लोग 45 लोग हैं, 45 लोग परेशान चल रहे हैं। ये सर हम लोग प्रिंस ट्रैवल तिलक नगर से, दिल्ली जी, दिल्ली से सर। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है पब्लिक। अब क्या आगे भी यही कारण है कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन अगर मिलेगा 10 दिन का मिलेगा, 5 दिन का मिलेगा। हम टोटल 10 दिन की छुट्टी लेके यहाँ पे आए हैं। जो उन्होंने आपसे पैसे लिए उसमें रजिस्ट्रेशन का पैसा भी लिया था? सब पैसा इंक्लूड है सर उसमें, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो फ्री होती है सर। वो लोग 1500-1500 रुपये लिए गए हैं, 1500 रुपये जी। आश्वासन तो सर सभी दे के गए हैं, कार्रवाई भी हो रही है, पर सर कार्रवाई से अच्छा है हमारा काम हो जाएगा तो हम जय जयकार करते हुए पहुंचेंगे सर। आप देख रहे हैं मेरे पीछे सारे मेरे यात्री खड़े हैं, इतने उदास हैं सर। जिनको यात्रा 1 महीने से यात्रा करने आए हुए हैं और उनके लिए ये जो समय है ना, एकदम परेशान करने वाला है। मेरे यात्री सारे परेशान हैं और मैं खुद बहुत परेशान हूँ। सारी रात जाग जाग के गुजारी है। और घर से हम जब चले थे सर, इतने जयकारे लगाते हुए चले थे, बड़ी खुशी से आए हैं हम लोग यहाँ। जब यहाँ पहुँचे हैं तो कहते हैं सारा एकदम फूस हो गया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है सर। दिल्ली से आए हैं, बाबा के दर्शन करने अमरनाथ जी के जा रहे थे। रोक देने का कारण हमारा जो रजिस्ट्रेशन था वो गलत था, उस पर करेक्शन करी हुई थी, एडिट किया हुआ है। ऐसा लगता है कि यहाँ की जो उन्होंने कहा है कि एडिट कर रखा है आपका, गलत है। और जहाँ से हमको दिए गए थे वहाँ पे ये कहा गया था वहाँ जाना, आपको कार्ड मिल जाएगा, सीधे आपकी यात्रा हो जाएगी। और जो ये है कि हमारे पेपर गलत हैं और हमें रोक रखा है यहाँ की जो अपनी सुरक्षा कर्मी है। क्या बोला अभी आप? अभी कहा है कि थोड़ा सबर करो, 2 बजे के बाद आपको फारिग कर देंगे, छोड़ देंगे यहाँ से। हाँ, जैसा भी है उनके जो ये जो उनकी इंक्वायरी है जो भी है वो करके उसके बाद हमको छोड़ देंगे। उनके रूल में होगा तो जो रूल रहेंगे वो फॉलो करने के बाद में ही कोई कमेंट कर सकते हैं। जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी वो पहलगाम थी या बालटाल की? पहलगाम की थी जी। कब की डेट थी? 2 तारीख की, दर्शन की। हाँ, दर्शन की 2 तारीख को यात्रा थी। दर्शन तो वहाँ पे जाने के 2 दिन के बाद ही होते हैं। और ये सारा जो आप किसकी नेगलिजेंस है? ये तो अब धोखेबाज हम जैसे में से कोई भाई है जिसने हमें ये फ्रॉड चीज़, लेकिन हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है जो कि पेपर के अंदर में हम क्या देख सकते हैं जिससे हम फ्रॉड पकड़ पाएँ। आपने रजिस्ट्रेशन के लिए कितने कितने पैसे दिए? हमने कि अपना पैकेज था जो कि घुमाने का, जिसमें इसने 8-8.5, किसी से 7.5, ऐसे पैसे पकड़े हुए हैं। जो रजिस्ट्रेशन थी उसके लिए कितने पैसे? रजिस्ट्रेशन के उसी में से किसी में ऐड कर रखे थे उसने, वही एडिट वगैरह। आदित्य सर, कहाँ से आया? मैं दिल्ली से आया हूँ बाबा अमरनाथ जी के दर्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे आके हम लोग जब पेपर चेक करवाए तो यहाँ पे बोले हैं जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन फेल है, मैंने गलत रजिस्ट्रेशन बना के दिया हुआ है। इस चक्कर में हम लोग को यहाँ पे 2.5-3 घंटे से रोके हुए हैं। कुछ रूल फॉलो कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा नहीं होगा हम लोग को कुछ पता नहीं है। हम लोग खुद परेशान हैं, क्या होगा आगे नहीं होगा। घर बार सब छोड़ के हम लोग आए हैं, इतने हर्षोल्लास से काम यहाँ पे आके अटका पड़ा है। तब ऐसे में हम प्रशासन से हम लोग एक ही गुहार लगा सकते हैं, जो किसी भी तरह हम लोगों को बाबा का दर्शन करवा दें। और दूसरी गुहार ये है, जो ऐसे एजेंट को
जो धोखा फर्जीवाड़ी करते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे, उन लोगों के ऊपर अच्छी कार्रवाई करें ताकि आगे चल के किसी और यात्रियों के साथ ऐसा न करे। रजिस्ट्रेशन की फीस रजिस्ट्रेशन की फीस हम लोग कुल 45 लोग हैं, इसमें से किसी से 1000 रुपये, किसी से 1050 लिए हैं, किसी से 1500 रुपये भी लिए हैं। 1500 रुपये फिक्स है, ठीक है, सबका अलग अलग जो है सो लिया हुआ है, लेकिन 1000 से कम किसी का रजिस्ट्रेशन के नाम पे नहीं लिया हुआ है।